हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, अचार के साथ भी खा सकते हैं, इसको हर तरीके से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरा नाम है हिना और मेरे चैनल का नाम है डॉक्टर किचन। तो मैं आज माश की दाल बना रही हूँ। ये माश की दाल है, मैंने भिगोई है, धो लिए, साफ़ सुथरी कर लें आप। और ये लहसुन है, ये मिक्स मसाला है, नमक है, ज़ीरा है, ये गार्निश के लिए हरा धनिया, हरी मिर्च, अदरक में इसमें डालूंगी, प्याज का भगाड़ दूंगी। तो देखते हैं नाज़िम किस तरह बनाते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें दाल डाल देती हूँ और इसको मैं उबालती हूँ। बहुत सादा तरीका, मिनटों में आप बना सकते हैं। ये मैंने दाल डाली और इसको उबाल आने दें। बस ये देखें, जब इस पे झाग आ जाए ना, तो वह ये झाग हम इस तरह उतार लेते हैं। झाग उतारने के बाद इसमें हम मसाले डालते हैं। अब इसमें ये हम मसाले डालेंगे, ये नमक मसाला और लहसुन और अदरक, ये हम इसके अंदर डाल देंगे। जीरे का हम उतार देंगे। ये सारी चीज़ें डाल के हमें इसको सही गला लेना है। तो अब नाजीन हम इसका बघार लगाते हैं, ये प्याज का। पहले हम इसमें मिर्चें डाल देंगे, थोड़ा सी हरी मिर्चें काट ली हमने और धनिया काट लिया गार्निशिंग के लिए। हल्की आंच के ऊपर प्याज फ्राई करते हैं ताकि ये जले ना और क्रिस्पी सी हो जाए। देखें इसी में मिर्चें भी लाल हो गई, इसी में जीरा भी लाल हो गया, सब कुछ डाल दिया। जीरा गार्निशिंग कर देंगे। इस पर हमने ये गार्निशिंग कर दी, बघार लगा दिया। तो देखें ये दाल बहुत आराम से आधा घंटे के अंदर अंदर ये पक के सब कुछ तैयार हो गया। तो नाज़रीन इंजॉय करें, देखें किस तरह बनी है।